अम्मी जान कहती हैं, अगर आप हारमोनिका प्रेमी हैं तो रोहित सहाय का चैनल सब्सक्राइब कराओ। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित सहाय और एक बार फिर से आ गया हूं आपके सामने हारमोनिका का एक नया ट्यूटोरियल लेके, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। और आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल देखना शुरू कर दिया है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो बिगनर और एमेच्योर लेवल के लोगों के लिए है, जो कि एक नया हारमोनिका 12 होल पे स्विच करते हैं या 16 होल पे स्विच करते हैं, या उसके पहले टावर होता है उनके पास या कोई और हारमोनिका होता है। जब हम एक प्रोफेशनल हारमोनिका पे स्विच करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं हम, और वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम उसको इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि हमने अभी नया हारमोनिका लिया है और इसको क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, कोई होल नहीं बज रहा है, कभी आपका स्लाइडर स्टक हो जाता है तो कभी वॉल्व में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज आपके पास चाहे नया हो चाहे पुराना हारमोनिका हो, आज आप कैसे घर पे रिपेयर कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। आज जो मेरा साथ देंगे वो है राजीव सर, और राजीव सर के बारे में आपको पहले से ही मालूम है कि राजीव सर सबसे पुराने हैं जो हारमोनिका रिपेयर करते हैं और सबसे चीप रेट में करते हैं। तो आइए चलते हैं राजीव सर के पास और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं इस चैनल में इसके पहले भी एक बार आ चुका हूँ, शक्ल से तो वाकिफ होंगे ही। आज का जो वीडियो है, आई एम टोल्ड बाय रोहित, इज ऑन एलिमेंट्री मेंटेनेंस ऑफ हारमोनिका। देखिए, हारमोनिका बहुत ही एक डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है। हम सोचते हैं कि सिर्फ जो स्लाइडर है वो एक मूविंग पार्ट है। हारमोनिका 12 होल के क्रोमेटिक हारमोनिका में 48 रीड्स होती हैं और 48 की 48 रीड्स मूव करती हैं, क्योंकि जब तक वो मूव नहीं करेंगे, वाइब्रेट नहीं करेंगे, तब तक वो साउंड नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो 48 मूविंग पार्ट्स तो ये हो गए स्लाइडर के अलावा, और क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन के ऊपर विंड सेवर्स होते हैं जिनको वॉल्व भी कहा जाता है, वॉल्व या विंड सेवर कुछ भी कह लीजिए। रीड के साइज़ की एक स्ट्रिप होती है जिसका फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नियरली इसके अंदर 90 से 95 के बीच में मूविंग पार्ट्स होते हैं, और देखिए जो पार्ट मूव करेगा उसमें वेयर एंड टीयर तो होगा ही। अब रीड वेयर एंड टीयर करने के बाद उसमें स्ट्रेस आता है, मेटल फिटिंग जनरेट होता है, तो मोस्टली जो उसका रिविटेड एंड होता है जहाँ पे रीड को रिविट किया जाता है, मैक्सिमम स्ट्रेस वहीं पे आता है, और फिर वहाँ पे हल्का सा क्रैक डेवलप होता है। वो क्रैक जो है नेकेड आई को विजिबल नहीं होता है, वो आप जब तक आप उसको किसी लाइट के अगेंस्ट में ना देखें या माइक्रोस्कोप में ना देखें तब तक आपको क्रैक नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी पिच ऑल्टर होती जाती है तो आप समझ लीजिए कि ट्रबल स्टार्ट हो गया है। तो रीड चेंज करना जो है वो एक मेजर एक बड़ा काम है, वो मतलब जब तक आपके पास प्रॉपर टूल्स ना हो, अपने दो चार माउथ ऑर्गन खुद ना ठीक किए हो, तब तक दूसरों का तो ठीक करने की आप सोचिए ही मत। देखिए, रीड की एक प्री डिटरमिंड पिच होती है, उस पर जरा भी कुछ वेट आ जाएगा तो पिच ऑल्टर हो जाएगी उसकी। कोई कचरा अगर उसके रीड स्लॉट में फंस गया तो रीड की वाइब्रेशन ही नहीं होगी, क्योंकि रीड और रीड स्लॉट में बहुत कम गैप होता है, टॉलरेंस इतनी कम होती है कि उसके अंदर से एक बाल भी इतनी आसानी से पास नहीं कर सकता है। तो उसके अंदर कुछ कचरा फंस गया तो रीड का वाइब्रेशन बंद हो जाएगा, या रीड के ऊपर कोई कचरा सेटल हो गया, जैसे आपने कुछ खाना खाया वो स्लॉट में नहीं गया या रीड के ऊपर जाके चिपक गया कोई फूड पार्टिकल, तो उसका वेट बढ़ जाएगा, तो उसकी वेट बढ़ने से उसकी वाइब्रेशन कम हो जाएगी तो पिच ऑल्टर हो जाएगी। तीसरा है सेलिवा जनरेट होता है जब हम बजाते हैं, तो सेलिवा जाके माउथ पीस स्लाइडर के ऊपर जाके ड्राई हो जाता है, तो स्लाइडर की मूवमेंट अफेक्ट होती है। फिर वही सेलिवा अगर आपके विंड सेवर्स के ऊपर जाता है और उसके बाद ड्राई आउट हो जाता है, तो जो विंड सेवर है वो आपके रीड प्लेट से चिपक जाएगा, बजाएंगे तो एयर नहीं पास होगी, या बहुत फोर्सफुली बजाएंगे तो फिर वो पटाक करके खुलेगा, बड़ा डिलेड रिस्पॉन्स आएगा। तो यही कॉमन प्रॉब्लम है माउथ ऑर्गन के साथ, इन इशूज़ को हैंडल करना आना चाहिए। बाकी जो मेजर रिपेयर्स हैं वो तो उसके लिए तो आपको किसी क्वालिफाइड टेक्नीशियन के पास या किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही भेजना चाहिए। देखिए, माउथ ऑर्गन में अगर आप 16 होल्स का माउथ ऑर्गन लेंगे, जो फर्स्ट फोर जो रीड्स हैं फर्स्ट ऑक्टेव की जो, तो उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। एक मिसकंसेप्शन है कि क्योंकि रीड की लेंथ ज़्यादा है और वो उसको हमको ज़्यादा फोर्सफुली ब्लो करना पड़ेगा,
एक्चुअली इसका ऑपोजिट है, आप फर्स्ट फोर रीच में फोर्सफुली ब्लो करेंगे तो वो चोक हो जाती है। और ये प्रॉब्लम मैंने अक्सर जो बिगनर्स हैं उनके साथ देखी है कि वो ब्लेम करते हैं कि ये माउथ ऑर्गन में ही कोई प्रॉब्लम है। फिर मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये माउथ ऑर्गन में प्रॉब्लम नहीं है, आपके बजाने के तरीका ही गलत है, उसमें आप फोर्सफुली ब्लो नहीं करेंगे, उसको तो बहुत लाइटली ब्लो करना पड़ता है और वो उसी में रिस्पॉन्ड कर जाता है। आपको थोड़ा बहुत अगर फोर्स अगर लगाना भी पड़ता है तो वो लास्ट ऑक्टेव की रीड्स में होता है, और इन पर्टिकुलर जो लास्ट टू होल नंबर 15 और 16 की होती हैं उसके अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन फर्स्ट फोर होल्स में तो आपको बहुत लाइटली ब्लो करना पड़ेगा। 16 होल हारमोनिका की फर्स्ट रीड से अगर आप कंपेयर करेंगे 12 होल हारमोनिका की फिफ्थ रीड को या फोर्थ रीड को, तो उसकी वो कम से कम 1/3 जो लेंथ है कम हो जाती है। लेकिन हॉर्नर हारमोनिका केस में एक लीफलेट होती है उसके अंदर वो हाउ टू ब्लो एंड ड्रॉ एक्सप्लेन करते हैं, और उसके अंदर उन्होंने एक टर्म यूज़ की है ब्रेकिंग इन ऑफ रीड्स। जब माउथ ऑर्गन नया होता है तो उसकी रीड्स उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, तो वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप शुरू में हल्का हल्का ब्लो ड्रॉ कीजिए एटलीस्ट फॉर अ वीक, तो उसके बाद वो रीड्स जो है थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि पहले आप मिडिल ऑक्टेव से स्टार्ट कीजिए, ब्लो ड्रॉ कोई गाना नहीं बजाना, सिर्फ लाइटली ब्लो ड्रॉ कीजिए मिडिल ऑक्टेव से, फिर सेकेंड ऑक्टेव, फिर लास्ट ऑक्टेव पे जाइए, देन रिवर्ट टू द फर्स्ट ऑक्टेव। सेम एक्सरसाइज आप एक हफ्ते करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो रीड्स हैं वो कंपैरेटिवली जो आप पहले दिन की बनस्पत वो ज़्यादा फ्री हो गई हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गई हैं। और लास्ट ऑक्टेव में कभी बहुत फोर्सफुली नहीं ब्लो करना चाहिए, क्योंकि वो छोटी रीड होती हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस छोटी रीड्स के ऊपर आता है। मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था मूविंग पार्ट्स के बारे में, तो ये तो स्लाइडर है जो एक मूविंग पार्ट है, बाकी जो मूविंग पार्ट जो दूसरे मूविंग पार्ट हैं, एक तो रीड मूविंग पार्ट है जो साउंड जनरेट करता है, ये तो होगी रीड जो साउंड प्रोड्यूस करती है, और ये प्लास्टिक की स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं ये इसे विंड सेवर कहते हैं या वॉल्व कहते हैं। तो इसका फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो आप इसको इसकी क्रिटिकलिटी अप्रिशिएट कर लेंगे। देखिए क्रोमेटिक हारमोनिका में एक साइड में मतलब स्लाइडर जब प्रेस करेंगे तो दूसरी साइड ओपन होती है, तो कुल मिला के एक साइड में दो रीड्स होती हैं, एक ब्लो और एक ड्रॉ। अब ये वॉल्व देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि अगर ये आप वॉल्व हटा देंगे तो जो हवा है जो आप ब्लो कर रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं वो दोनों होल्स से निकलेगी या सकेंड होगी, तो रीड का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत वीक हो जाएगा। तो ये वॉल्व को इसलिए दिया जाता है कि जब आप ब्लो करते हैं तो ये उठ जाता है, एयर पास हो जाती है। आपने देखा होगा जब मैंने ब्लो किया था तब ये वॉल्व ऊपर उड़ गया था, क्योंकि इसमें जो ब्लो रीड है वो प्लेट की अंदर वाली साइड पे होती है, हवा है वो उसको स्ट्राइक करते हुए यहाँ से रीड स्लॉट पे निकलती है। इसी तरह ये ड्रॉ रीड है ये प्लेट के ऊपर वाले हिस्से में होती है, मैं ड्रॉ करूँगा तो ये रीड हवा जो है बाहर से अंदर आएगी, तो इसमें भी एक वॉल्व होगा जो नीचे चला जाएगा और ये वाला वॉल्व है बिल्कुल बंद हो जाएगा जो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वॉल्व का। लेकिन इसके चलते और जो प्रॉब्लम्स भी बहुत क्रिएट होती हैं वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। देखिए वॉल्व में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो यूजुअली विंटर में वो अकर होता है, वो बाकी गर्म जगह पे ये प्रॉब्लम आप नहीं इनकाउंटर करेंगे। ये फिनोमेना क्या है, जो कंडेंसेशन की प्रॉब्लम वो क्या है, देखिए ये विंटर में ये क्योंकि मेटल है तो ये बहुत ठंडा हो जाता है, और जो नॉर्मल जो हम ब्रीद आउट करते हैं वो बॉडी टेम्परेचर, वो सांस जो है वो बॉडी टेम्परेचर पे होती है, तो आप कोई ठंडी चीज़ के ऊपर जब ऐसे करेंगे तो उस पर एक थिन लेयर ऑफ वेपर जमा हो जाता है, तो जब तक आप तो वो जब वेपर जमा होगा तो वो तो रीड के ऊपर तो जाएगा ही, उसके पिच को अफेक्ट करेगा, लेकिन वो वॉल्व को भी इफेक्ट करता है, वॉल्व जो है वो रीड प्लेट से चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जब आप प्ले करेंगे तो पड़ाक करके खोलेगा, डिलेड रिस्पॉन्स होगा। क्योंकि जब सलाइवा जाता है और जब आप उसको प्ले नहीं कर रहे होंगे तो वो धीरे धीरे ड्राई आउट हो जाएगा, तो ये वॉल जो है रीड प्लेट के साथ चिपक जाएगा, तो या तो आपकी रीड बजेगी ही नहीं या बहुत फोर्स करेंगे तो वो पड़ाक करके खुलेगी और बजेगी, तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वॉल्व्स के साथ। आप एक चीज़ नोट कीजिए, रीड में और रीड स्लॉट में दोनों साइड में
बल्कि क्या तीनों साइड में फ्रंट में मिला के बहुत कम गैप है। ये इतने कम गैप में अगर कोई बारीक से बारीक चीज़ भी अटक जाएगी तो ये रीड का वाइब्रेशन बंद हो जाएगा। और वो क्या हो सकता है, यूजुअली आपने कुछ खाया और आपने ठीक वो ब्रश नहीं किया तो कोई फूड पार्टिकल है वो जाके इसमें, ये देखिए ये अब इसमें इतना कम गैप होता है कि कोई ज़रा सी भी चीज़ इसके अंदर अगर फंस गई तो आपकी रीड की वाइब्रेशन नहीं होगी। इसमें क्या है, देखिए अगर ऊपर वाली रीड है तो उसको हैंडल करना रिलेटिवली बहुत आसान होता है। उसमें तो आपके पास इस टाइप का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हो तो ये वैसे जो नॉर्मल टूल किट्स आते हैं दिस इज कॉल्ड प्लिंकर, तो इसको आप रीड के नीचे स्लिप करके दो तीन बार ऐसे करेंगे तो कोई अगर फॉरेन पार्टिकल जमा होगा वो निकल जाएगा। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर ब्लो रीड में होगी जो ये है, अब ब्लो रीड क्योंकि रीड प्लेट के इनसाइड में है तब तो आपको पूरी रीड प्लेट खोल के ठीक करना पड़ेगा, जो कि एक्रेलिक की जो कोम वाले माउथ ऑर्गन है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हॉनर 270 या जितने वुडन कोम वाले माउथ ऑर्गन है उसमें क्या है, आप कील उखाड़िए फिर कील लगाइए तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। नहीं ड्रॉ रीड भी कर सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको खोलना नहीं पड़ेगा उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो थोड़ा इसमें ज़्यादा मेहनत है। तो उसमें क्या है, आपको ये पहले वॉल्व हटाना पड़ेगा। वॉल्व आप बड़े केयरफुली अगर हटाएंगे तो डैमेज नहीं होगा। वॉल्व अगर आपने बहुत फोर्स लगा के यूज़ किया तो वॉल्व डैमेज होगा, वो आप उसको रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। देखिए जनरली इसका तरीका तो ये है कि इसी टूल से या इस टाइप का टूल है, ये मैं आपको बताऊँगा ये है क्या। इसको आप इसके नीचे वॉल के नीचे स्लिप करके इसको धीरे धीरे ऐसे हल्के हल्के स्ट्रोक मारेंगे ना तो चांसेस है कि ये वॉल बगैर डैमेज हुए बाहर निकल आएगा। बॉन्ड ये एक रबर फेवी बॉन्ड, ये रबर बेस्ड सॉल्यूशन है। ये आपने देखा होगा कभी, आपने अगर जूते रिपेयर कराए होंगे सोल उखड़ गया होगा सोल लगवाया होगा तो वो जो ये मोची होते हैं उनके पास रहता है, लेकिन वो बड़े डब्बे में होता है कमर्शियल यूज़ के लिए होता है। ये रबर बेस्ड सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो आपने जहाँ से वॉल निकाला है ना वहाँ थोड़ा बहुत एडहेसिव ऑलरेडी लगा होगा, उसको आप इस टाइप के टूल से या कोई बहुत ही अच्छा स्क्रू ड्राइवर हो उससे इसको स्क्रैच करके जो रेजिडुअल या बच गया था वो आप एडहेसिव निकाल दीजिए। वहाँ थोड़ा बहुत पुराना पहला वाला एडहेसिव लगा रहता है। एक टूथपिक ले लीजिए और टूथपिक पे बहुत ही एक छोटी ड्रॉप इस रबर बेस्ड सॉल्यूशन की ले लीजिए और उससे उतने ही पोर्शन पे लगाइए जितने पोर्शन पे आपको वो एडहेसिव का मार्क नज़र आ रहा है। ज़्यादा लगाने का डिसएडवांटेज क्या होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। लगा लिया आपने, एक दो बार फूंक मार लीजिए, उससे क्या होगा आपको कुछ जल्दी चिपकने में आसानी जाएगी। अब आप इसको ठीक उसी पोजीशन में लाने की कोशिश कीजिए जिस पोजीशन में ये पहले था। इसका जो आउटर जो ये जो इस साइड वाला जो एज है ना वो रीड के इस लेंथ पे आना चाहिए। देखिए ये इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब आपने इसको लगा दिया है, अब आपको ये देखना है कि ये प्रॉपरली प्लेस्ड है कि नहीं प्लेस्ड है, तो आप इसी टाइप के टूल से या एक टूथपिक लेके उसको हल्का सा आप प्रेस करके देखिए, ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसने होल को रीड स्लॉट को ठीक से कवर नहीं किया है, और रीड स्लॉट को अगर ये ठीक से कवर नहीं करेगा तो उसके लगाने का पर्पज ही डिफीट हो जाएगा, नंबर वन। दूसरा क्या है, वो बजिंग साउंड करेगा, बस 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 बस, ये आपने नोट किया होगा अपने माउथ ऑर्गन में भी, जब कभी वॉल कर्ल हो जाता है तो ये बजिंग साउंड आ जाती है। अगर ठीक से प्लेस नहीं है तो ये बजिंग साउंड आना स्टार्ट हो जाएगी, बस 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 फुर 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 की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपने जब लगा दिया तो उसको दोनों साइड से ऐसा हल्का सा पकड़ कर इस साइड हल्का सा दबा दीजिए और इसको कम से कम 10-15 मिनट आप बजाइए मत। ये 10-15 मिनट के दौरान में क्या होगा, वो अच्छी तरह से ड्राई अप हो जाएगा, उसके बाद आप इसको बजाइए। और इसी तरह आप ये तो आपका ब्लो वाला है, ब्लो रीड का वॉल्व है, अगर आपको इनसाइड दी प्लेट का वॉल्व
आपको करना है तो फिर आपको प्लेट खोलनी पड़ेगी और प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल वही है। पहली बात तो आपको जब आप चिपकाएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वॉल्व की कौन सी साइड ऊपर रहेगी। अब आप वॉल्व के बारे में समझ लीजिए, वॉल्व की दो लेयर्स होती हैं, वॉल्व की दो लेयर्स होती हैं। ऊपर वाली लेयर जो है वो बहुत सी कंपनी जो उसमें वो कलर्ड लेयर यूज़ करती हैं और नीचे वाला जो है उसको वाइट यूज़ करती हैं। जैसे ये मैंने आपको जो खोला ये सीडल का है, सीडल की जो ऊपर वाली वॉल्व की लेयर है वो ट्रांसपेरेंट है और नीचे वाली जो लेयर है वो वाइट है। इसका फंक्शन क्या होता है, जो ऊपर वाली लेयर होती है वो थोड़ी स्टिफ होती है और नीचे वाली लेयर जो होती है वो थोड़ी स्टिफ नहीं होती है और वो एब्जॉर्बेंट भी होती है, थोड़ा हल्का मॉइस्चर एब्जॉर्ब भी कर लेती है। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है आपको उसको नहीं चिपकाना है, आपको जब चिपकाना है तो ये इसकी नीचे वाली जो लेयर है आप जो एडहेसिव लगाएंगे वो नीचे वाली लेयर पर लगाएंगे। वैसे तो जब आप वॉल्व को केयरफुली निकालेंगे तो जो वो एडहेसिव का मार्क है वो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ जो ब्लो रीड होती है वो रीड प्लेट की दूसरी साइड में होती है, इनसाइड ऑफ द प्लेट, और इसके ऊपर वॉल्व होता है। जब आप खोलेंगे तो आपको वॉल्व दिखाई देगा और ये जो ड्रॉ रीड होती है ये ऊपर होती है ये, और इसका जो वॉल्व होता है वो यहाँ होता है, इनसाइड द प्लेट होता है। तो जब आपको इस ये चेंज करना होगा तो आपको रीड प्लेट नेसेसरीली खोलनी पड़ेगी। तो चलिए कुछ बोनस टिप्स मेरे तरफ से भी, आप इसको ध्यान से देखिए, आप अपने हारमोनिका को हमेशा सेफ और नया रख पाएंगे। टिप नंबर वन, अगर आपके पास टावर हारमोनिका है तो आप उसको धो सकते हैं। उसको धोने के लिए कोई भी एक लिक्विड घोल बना लीजिए जो कि सिर्फ आपके घर के शैम्पू से काम हो सकता है या फिर ईजी डिटर्जेंट जो आता है उससे आप कर सकते हो। उसको धो के आप अच्छे तरह से उसका पानी वाइप करके और उसको धूप में डाल दें, आपके हारमोनिका के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगा वो निकल जाएगा। दूसरा चीज़, आप डाइटोनिक हारमोनिका को भी धो सकते हो लेकिन उसका एक शर्त है, उसका जो कॉम्ब है ना वो वुडन नहीं होना चाहिए, एक्रेलिक का कॉम्ब होना चाहिए। तीसरी, जब आपके 12 होल में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आता है सबके सामने, कई बार स्लाइडर स्टक हो जाता है, उसके लिए हमें क्या करना है, आप एक छोटा सा काम करना है, आपको एक चीज़ हमेशा अपने साथ रखना है घर पे, वो है सर्जिकल स्प्रिट। सर्जिकल स्प्रिट इसलिए आता है, ऑपरेशन करने का जो सामान आता है उसको उससे क्लीन किया जाता है। इस चीज़ को हम अपने हारमोनिका में भी यूज कर सकते हैं। जब हमारा स्लाइडर स्टक होने लगता है तो आप समझिए उसके अंदर एक्सेस स्लाइबा गया है और जाके जम गया है, ठीक है। तो कई बार ये इसलिए होता है कि हम बजाते हैं अपना हारमोनिका और रख देते हैं चुपचाप, लेकिन एक आदत हमेशा डालनी है, आपको हारमोनिका को टैप करना है ताकि आपका एक्सेस स्लाइबा जो गया है वो अंदर से निकल जाए। हमेशा बजाने से पहले और बजाने के बाद ये अपनी आदत डाल लें। दूसरी चीज़, जब स्लाइडर स्टक हो जाता है तो हमें क्या करना है, कोई भी ड्रॉपर से लेके उसके स्लाइडर पे कोने पे इस ढंग से डालना है और उसका स्लाइडर के बटन को ऊपर नीचे प्रेस करना है। कम स्प्रिट में पानी की मात्रा कम होती है तो क्या होता है कि जो भी स्प्रिट आप इसके अंदर डालते हो वो फटाक से उड़ जाता है और गंदगी को बाहर कर देता है। अगर आपके पास सर्जिकल स्प्रिट नहीं हो, घर में कोई भी अल्कोहल का बोतल हो तो आप उसको यूज कर सकते हो, उसको दो चार बूंद आप उसके स्लाइडर पे डाल सकते हो और हमेशा एंगल यही रखना है ताकि कोई भी स्प्रिट या अल्कोहल उसके अंदर ना जाए और आपका हारमोनिका सेफ रहेगा। हर 20-25 दिन पे आपको एक काम करना है कि जब भी आप हारमोनिका अपना बजाने से पहले कोई भी एयरबड लो, एयरबड से उसके कोने को आप उसके साफ करो। इतना ध्यान रखिएगा एयरबड आपके हारमोनिका के होल के अंदर ज़्यादा अंदर ना जाए ताकि आपका कोई भी रीड डैमेज ना हो। रीड को कभी भी ना छुएं, इसके लिए राजीव सर ने बता ही दिया कि आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो। अगर आपने कुछ खाया है और आप हारमोनिका बजाने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाइए, जाके पानी से अपना मुंह को साफ कीजिए, फिर आप हारमोनिका को बजाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स ये आपके रीड के अंदर फंस जाएंगे और वो प्ले नहीं होगा और आप ये सोचोगे कि आपके रीड में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखोगे तो कभी भी आपका हारमोनिका प्रॉब्लम नहीं करेगा और हमेशा आपका साथ देगा। आशा है मेरा ये ट्यूटोरियल आपके काम आएगा और आप अपना हारमोनिका सुरक्षित और सैनिटाइज रख सकेंगे। और नीचे मैंने कुछ लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके देखिए, आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट सेशन का वेट कीजिए, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय हारमोनिका।